ये देखो भाई। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों को इस टाटा पंच का जो है रिव्यू दिखा दिया। अब भाई टाटा इसको बोल रही है कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी है इस गाड़ी के अंदर। जैसे आप लोगों को बताया था इसका इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, अप्रोच एंगल मैंने आप लोग को बताया, डिपार्चर एंगल मैंने बताया। तो जैसे अभी देखा जाए ना, आप देखो पहले ट्रैक देखो, ये पूरा इस साइड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे इसके अंदर जो फंक्शन आता है ट्रैक्शन का, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आएगा, सिर्फ वो कैसे वर्क करता है और वो क्या चीज़ है, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा यहाँ पे। और बाकी जो ट्रैक है ना ऑफ रोड का, पूरा आप लोगों को शो करूँगा भाई, उधर चढ़ाने वढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग की चीज़ें दे रखी हैं। तो जो गाड़ी की पूरा है ना टेस्टिंग यहाँ पे अच्छी खासी सी हो जाएगी। तो भाई रिव्यू तो देख लेना, नहीं देखा है तो ऊपर जो है आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगा। और जो प्रैक्टिकलिटी टेस्ट है इस टाटा पंच के ऊपर, वो भी आप लोगों को चैनल पे जरूर देखने को मिलेगा। और जैसे इसका ये वाला, जैसे आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ना ट्रैक, ये देखो इसके अंदर क्या है, एक मतलब गाड़ी का टर्निंग रेडियस देखने के लिए बनाया हुआ है। मतलब एक चैलेंज किया है टाटा ने कि मुझे ये गाड़ी कितने सेकंड में, मतलब कितने सेकंड में, कितने मिनट में, मिनट ही लग जाएगी छोटी सी जगह ने, तो इसमें मोड़ने में मतलब पूरा यू टर्न लेने में कितना टाइम लगता है, मुझे सीधे ही अंदर डालनी है गाड़ी और उसके बाद पूरा यू मार के सीधा ही बाहर निकालना है, तो इसमें कितना टाइम लगता है, तो ये भी एक चैलेंज है। इसमें पता चलेगा कि भाई कितना मतलब टर्निंग रेडियस वगैरह है, समझने को मिलेगा गाड़ी के बारे में कि कितना टर्निंग रेडियस इस गाड़ी का है। और उस साइड में भाई गाड़ी का स्लोप वगैरह चढ़ाने का, तो काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ आप लोगों को आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। थ्री टू वन चलो भाई आप बता देंगे कितने देर लगाते हैं ये। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे से पहले निकाल देगा ये। ओए 29 यार 20 सेकंड पहले 29 मेरी 48। अरे यार मैं पता है मेरा क्या घबरा हुआ। ठीक है भाई बढ़िया भाई बढ़िया, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीतते हैं, लो इसके लिए माइक। वेयर वी हैव मेड सम आइसस, पुट इन आइसस, सो इट इज यू नो द फ्रिक्शन ओवर दैट पाथ विल बी वेरी स्लिपरी, सो विच विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो टू डेमोन्स्ट्रेट। सो वंस इट्स गॉट स्लिप्ड, यू कैन सी द ड्राइवर इज लुकिंग एट द इंफोटेनमेंट स्क्रीन वेयर द मैसेज पॉप्स आउट, सो ही गिव्स प्रेफरेबली टू टेक फॉर एक्टिवेटिंग ऑफ दैट ट्रैक्शन प्रो कंट्रोल। एंड ऑन हिटिंग इट यू कैन सी हाउ द टायर इज गेटिंग चेंज। You see how smooth it has been. Previously it was slipping. Now you could have saw how smooth it was taking. तो बाहर की सिचुएशन तो आप लोगों ने देख ली थी, अभी अंदर दिखाता हूँ क्या मैसेज पॉप आउट होते हैं। ये देखो व्हील स्टक डिटेक्टेड, अब मैं यहाँ पे यस कर दिया। ये देखो बिल्कुल मतलब बिल्कुल आसानी से निकल गया, बहुत अच्छा फीचर जो है आप लोगों को देखने को मिल जाता। बाहर से तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। तो फर्स्ट ये है अपना जो ऑफ रोड का है साइड स्लोप्स, ये आप स्लोप देख लो भाई, वीडियो में जितना जस्टिस नहीं होगा बट बहुत तगड़ा सा स्लोप दे रखा है। अभी गाड़ी आएगी ना तब देखना आप। बड़ा मज़ा सा आ रहा था भाई अंदर बैठ के, जब कर रहे थे ना फील, बड़ा मज़ा सा आता है। ये देखो कितनी तगड़ी स्लोप हो गई, मतलब अंदर बैठ के तो ऐसा ऐसा हो जाता है बिल्कुल, जो गाड़ी है ना एकदम साइड में बिल्कुल टेढ़ी सी। अब अगले ट्रैक की तरफ जाते हैं भाई, मेरे को थोड़ा भागना पड़ेगा। नेक्स्ट है राइड क्रॉसिंग, रिज क्रॉसिंग। तो इसमें क्या है, जैसे गाड़ी यहाँ से सीधी आएगी, ये गाड़ी इधर से सीधी आएगी और उसके बाद जाके एकदम ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, जो इसके टायर है ना आगे दो टायर वो हवा में हो जाएंगे एक नंबर का। आ जा पीछे। चलो ये देखो भाई, तगड़ा
अब नेक्स्ट जो है वो है रॉक क्रॉल, इसमें पूरा ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह गाड़ी का सब कुछ चेक हो जाएगा। ये देखो पूरा आप टेरेन देखो कितना जबरदस्त सा है। तगड़ा है, मतलब काफी ज्यादा जगह जी बच रही है नीचे भी ना, तो बहुत सही सा ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है गाड़ी में। बिल्कुल आसानी से, और ये बीच में देखो पोल डाल रखा है, इस पोल पोल के ऊपर से जाएगी बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, और आप लोगों को भी अंदाजा आ जाएगा कि कैसा ग्राउंड क्लियरेंस है। ये देखो मतलब कितना बताऊं, इतना बच रहा है, इतनी जगह बच रही है जैसे इस पोल के ऊपर से भी कहीं ना। अब नेक्स्ट ऑब्स्टेकल की तरफ जाते हैं भाई, इस साइड तो इस साइड में है। अब इसमें क्या है, मतलब पूरा विजिबिलिटी का पता चलेगा कि गाड़ी में कैसी क्या विजिबिलिटी है, मतलब जैसे चढ़ाते हैं ना गाड़ी चढ़ाने के बाद, उसके बाद आगे वाला रोड जो है दिखना बंद हो जाता है, तो वहाँ पे इसमें पूरा पता चलेगा। ये देखो अब नेक्स्ट क्या है, गाड़ी वहाँ से घूम के आएगी, उसके बाद घूमने के बाद आएगी इधर, और इधर से बारी आएगी आर्टिकुलेशन की। ये देखो पूरा ऐसे कर रखा है, एक बार इधर से गड्ढा कर रखे और उधर से, तो ऐसे चढ़ेगी ना इसके ऊपर से, तो इसके बाद ही दिखेगा नहीं, तो यहाँ से क्या होगा हमें स्लो करके निकालनी होती है। देखो अब देखो वहाँ के स्लो कर लेगा, अगर तेज में आए ना फिर तो भाई काम ही हो जाते खराब। ये देखो भाई भाई साहब मस्त है। मतलब ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा, गाड़ी जो ट्रैक्शन लूज कर रही है, बार बार स्लिप वगैरह कर रही है, बिल्कुल आसानी से जो है गाड़ी यहाँ से निकल रही है। ठीक है अगला ये वाला है ऑब्स्टेकल। हाँ अगला ये देखो भाई, ये वाला बड़ा खतरनाक लगा जब अंदर से बैठे थे ना, तो एकदम सडन सा स्लोप है ये, उसके बाद सडन स्लोप में बिल्कुल गाड़ी एकदम ऐसे नीचे खड़ी सी हो जाती है, बड़ा खतरनाक सा ये वाला। तो उधर से गाड़ी को टर्न करके लेके आ रहे हैं, इसका नाम और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, गली क्रॉसिंग, मतलब एकदम बिल्कुल सडन सा है ये। देखो अभी उधर से गाड़ी मोड़ के ले आते हैं और मैं आपको आगे जाके थोड़ा दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा सडन सा है भाई स्लोप ये, पूरी गाड़ी एकदम खड़ी सी हो जाती है, और क्या है एकदम सडन टॉर्क मिलता है मतलब जीरो स्पीड से ही, तो कहीं भी मतलब जैसे गाड़ी चढ़ेगी ना तो उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल आसानी से जो है गाड़ी चढ़ जाती है। बहुत तगड़ा से ट्रैक बना रखा है ये, और यहाँ पे ना सारे मौसमी वगैरह के पेड़ है, सारी मौसमी नीचे से गिर रखी है। इसमें क्या है जैसे ये इंक्लाइन है, इंक्लाइन पे गाड़ी जाने के बाद ना आगे का कुछ भी नहीं दिखता, और ये स्लोप बड़ा खतरनाक सा दे रखा है। इसमें क्या है दोनों साइड में ही मतलब गाड़ी का सा बीच में रास्ता है, बट उसके बाद क्या है दोनों साइड में ही मतलब रास्ता से नहीं है, तो पूरा फ्लैग्स की मदद से इसमें जो है भाई चढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद जो है उतरेंगे ना तो उतरने के बाद भाई कुछ दिखता नहीं है, तो सिर्फ फ्लैग्स का ही सहारा रहता है, उन्हीं को देख के करना पड़ेगा। और मार्च ले भाई गाइड वाइड करने के लिए, ये देखो भाई अच्छा, ये देखो तो इतना जैसे करते हैं ना भाई, बाहर से तो इतना कैमरा जस्टिस से नहीं कर पाता, बट से गाड़ी के अंदर बैठ रहते हैं ना उसके बाद लगता है भाई बड़ा टफ सी सिचुएशन दे रखी है। तो भाई ये था एक ऑफ रोडिंग का पूरा, कि कैसी क्या इसमें कैपेबिलिटीज़ है, गाड़ी कहाँ कहाँ से चली जाती है, गाड़ी को देख के ना भाई ऐसा बिल्कुल भी कहीं से नहीं लगता कि गाड़ी भाई ऐसे ऐसे कर लेती है, मतलब इतनी वैसी बना रखी है, इतना तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं कहीं से चली जाती है, ट्रैक्शन वगैरह अच्छा है गाड़ी का,
और जो स्टेबिलिटी है वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देखने से भाई जज नहीं कर पाओगे। अभी जैसे ऑफ रोडिंग ट्रैक में मैंने गाड़ी चलाई तो बहुत ज़्यादा अच्छी सी लगी भाई मुझे, ये मज़ा आया, एक्सपीरियंस बता दे। आ जा, जो सबसे बेस्ट पार्ट था इस गाड़ी का भाई, नीचे वो डाउन हो रही है, नाम क्या था? हाँ वो इनक्लाइन, हाँ जो भी था वो इनक्लाइन डिक्लाइन जो भी था भाई, जब जो चीज़ थी ना है ना, एकदम मैंने भी लग रहा था वही एकदम सडन सा स्लोप है। जो आपने पीछे भाई सर्प वाली वीडियो नहीं देखी है, छोटा सर्प है, मान लो छोटा सर्प है, पानी अगर वहाँ पे होगा तो नहीं निकल पाएगी, बट उससे बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है चलाने में, जो इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया इस प्राइस में। हाँ इस प्राइस में मैंने यही कह रहा हूँ, देखने में इतना पता नहीं चल रहा, बट भाई बहुत ज्यादा गाड़ी में बहुत चीज़ है, मतलब बहुत तगड़ी स्टेबिलिटी बढ़िया, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, रैंप ओवर एंगल बढ़िया है ना, डिपार्चर एंगल बढ़िया है, रैंप ओवर एंगल बढ़िया है, मतलब गाड़ी मतलब ठीक है। ट्रैक ऐसे हिसाब से बनाया गया है कि भाई जो मैन मेड ही है तो थोड़ा सा तो कि करके बनाया भाई गाड़ी जैसे पार कर पाए, पर मैं एक चीज़ कहूँगा, जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं कि वो मैन मेड सी सोच से भी थोड़ा सा ऊपर करके गई है कि हाँ भाई है, हाँ मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही हड़का से बना रहेगा, टफ सिचुएशन थी इसके अंदर, काफ़ी सही सा था भाई ये, और भाई घर में बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल पसीने हो चुके हैं अपने। अब चलते हैं भाई दूसरी गाड़ी का ड्राइव है वो कर लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, टेक केयर, बाय बाय।